हेलो एवरीवन, पार्ट फिफ्थ ऑफ चैप्टर थर्ड स्पेक्ट्रम की बुक में मॉडर्न हिस्ट्री में चल रहा है हमारा इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कंक्वेस्ट। तो इससे पहले हमने चार पार्ट्स कवर कर लिए हैं, उनमें हमने ये जो स्लाइड्स में दिखा रही हूँ ये जो टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। इंट्रो देख ली थी, चैलेंजेस बिफोर द मुगल देख लिया था, वीक रूलर्स आए थे जो 12 हमने बात की थी इनके बारे में वो भी देख लिए थे। इनकी जो स्लाइड्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइडेड हैं, ठीक है। उसके बाद कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर भी देख लिया था, राइज ऑफ द रीजनल स्टेट्स भी हो गया था, सर्वे ऑफ द रीजनल किंगडम्स भी हो गया था, नेचर एंड द लिमिटेशंस ऑफ द रीजनल स्टेट्स भी कवर कर लिया था लास्ट लेक्चर में। आज हम बात करेंगे सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस की। एंड उससे पहले कि स्टार्ट करूँ, इंट्रो में देख लेते हैं कि इसमें क्या आएगा आपके, ठीक है। तो 18 सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो है ना, आपका इंडिया प्रोग्रेस तो कर रहा था लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर रहा था कि वो फलफूल रहा हो, ठीक है। तो वो एक तरीके से डिक्लाइन हो रहा था अपने इकोनॉमिक कंडीशन में, सोशल कंडीशन में एंड कल्चरल कंडीशंस में, ठीक है। और इंडिया बिकेम अ लैंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे चल रहा था बिकॉज ऑफ द क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी थी। और दूसरी तरफ, मतलब एक तरफ तो आपकी पॉवर्टी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी है, दूसरी तरफ आपके पास लग्जूरियस लाइफ जो है वो राजा जो है वो जी रहे थे, ठीक है। अगर आपसे बात पूछी जाए कि तीन ऐसे कंडीशंस बताइए कि क्या क्या हो रहा था उस टाइम पे, तो एक तरफ से पॉवर्टी जिसको आप इम्पॉवरिश बोल सकते हैं, ठीक है, बैकवर्डनेस हो रही थी भारत की, ठीक है, बैकवर्ड हो रहा था। दूसरा हो गया, एंड थर्ड वन इज़ ऑप्रेस्ड, ठीक है। एंड जो अदर साइड पे लग्जूरियस लाइफ एंड लैविशनेस जो थी वो इंजॉय करा जा रहा था जिनके पास पावर थी, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, अभी 18 सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं ना, तो 18 सेंचुरी से जो पहले वाली जो लाइफ थी ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है, इंडियंस के लिए। लेकिन 18 सेंचुरी में उसमें डिक्लाइन आ जाता है। लेकिन आफ्टर द 18 सेंचुरी जब ब्रिटिशर्स आएंगे वो कंडीशन 18 सेंचुरी से भी बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो जाएगी। तो जो 18 सेंचुरी से पहले वाली लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस थी, उसके बाद 18 सेंचुरी में डिक्लाइन आ जाता है। एंड ब्रिटिश के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन आ जाएगा, डिटीरियोरेट पोजीशन हो जाएगी इंडिया की। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंटर्स की जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात देख लेते हैं पहले, तो एग्रीकल्चर जो है टेक्निकली बैकवर्ड तो था ही, ठीक है, पहले से। जो पीजेंट्स थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया करते थे, लेकिन जो उनका मतलब काम का जो फल होता था वो उनको नहीं मिलता था। वो कौन ले जाते थे? आपके जमींदार्स, आपके जागीदार्स, ठीक है, एंड रिवेन्यू फार्मर्स। तो ये सब ये लेके चले जाते थे, जो पीजेंट्स का काम होता था उनका जो बेनिफिट उनको मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिल पा रहा था बिकॉज ऑफ जमींदार्स वगैरह जो है वो ले जाते थे। और जो पीजेंट्स की कंडीशंस थी वो बहुत ही ज़्यादा कैसी हो जाने लगी? मिजरेबल, ठीक है। उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स की जब हम बात करते हैं तो ट्रेड एंड कॉमर्स जो था वो सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए किस चीज़ में? आपके हैंडीक्राफ्ट्स में, इसके लिए। एंड दूसरी बात एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, तो इसके लिए क्या करने लगा इंडिया जो है वो इंपोर्ट नहीं करता था ना एक्सपोर्ट करता था, पहले की बात है जब सेल्फ सफिशिएंट वो रहना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, ट्रेड स्टार्ट होने लगा, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होने लगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है उनकी जो डिमांड थी मार्केट के अंदर, फॉरेन मार्केट के अंदर, वो इंक्रीज़ होने लगी। इससे क्या हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्ट होने लगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट जो है वो फिर ज़्यादा होने लगा एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट। इससे जो है ट्रेड का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया, ठीक है। एंड इम्पोर्ट किस चीज़ का होता था फिर? गोल्ड एंड सिल्वर का। इम्पोर्ट किसका होता था? गोल्ड एंड सिल्वर का। इसीलिए जो भारत को है ना वो सिंक ऑफ प्रीशियस मेटल्स भी बोला जाता है, ठीक, इसी के कारण। एंड उसके बाद अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जिसमें बताया हुआ है कि पर्शियन गल्फ से हमें क्या क्या चीज़ें जो है हम इंपोर्ट कराया करते थे। अब मैं ना डिफरेंट पेन्स यूज़ करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें आई। तो पर्शियन गल्फ से हमें क्या क्या मिला, तो पर्ल्स, रॉ सिल्क, वूल, ठीक है, डेट्स, ड्राई फ्रूट्स,
रोज वाटर, तो ये सब चीज़ें हमें मिली पर्शियन गर्ल से। अब हम बात कर लेते हैं हमें ये अरेबिया से क्या मिला, जो सऊदी अरेबिया वाला जो पूरा पेनिनसुला है अरेबिया से, वहाँ से हमें क्या क्या मिला, तो कॉफ़ी, सॉरी कॉफ़ी, गोल्ड, ड्रग्स, हनी, तो ये हमें अरेबिया से मिला एंड मतलब इंपोर्ट कराते थे हम, ठीक है। एंड चाइना से हमें टी, शुगर, पॉर्सलिन, पॉर्सलिन चिप्स होती है ना जो, ये एक्सपेरिमेंट्स में भी हम यूज़ किया करते थे केमिस्ट्री में, ठीक है। एंड सिल्क, ठीक है, तो ये हमें चाइना से मिला। एंड उसके बाद मिला इन द सेंस कि हमने इंपोर्ट कराया, तिब्बत से इंपोर्ट किया करते थे, तो गोल्ड, मस्क, वुलन क्लॉथ्स, ठीक है। एंड अफ्रीका से आइवरी, आइवरी जो हाथी के दांत नहीं होते उनके बहुत सुंदर जो है प्रोडक्ट्स बनाए बनाते हैं वो, उसके लिए यूज़ होता है। एंड ड्रग्स, ठीक है। एंड यूरोप से हम क्या इंपोर्ट करवाते थे, वुलन क्लॉथ्स, वुलन क्लॉथ्स हो गया, कॉपर, आयरन, लेड एंड पेपर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने इंपोर्ट करवाई डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट क्या किया करते थे, अब हम वो देख लेते हैं। तो जब एक्सपोर्ट की बारी आती है तो हम एक्सपोर्ट करते थे कॉटन टेक्सटाइल, ये सब कुछ भारत से बाहर जाता था, रॉ सिल्क, ठीक है, सिल्क फैब्रिक। देन आपके पास आ जाएगा सॉल्ट पेट्रे, इंडिगो, हार्डवेयर, ओपियम जो अफीम होती है, ठीक है, राइस, वीट, शुगर, पेपर एंड अदर स्पाइसेस, ठीक है। उसके बाद और क्या करते थे हम, प्रीशियस स्टोन्स, ड्रग्स, तो ये सब चीज़ें हम जो है एक्सपोर्ट किया करते थे, भारत से बाहर भेजा करते थे। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सेंटर कौन कौन से थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, ठीक है। तो इसमें आपके पास आ जाता है ढाका, ठीक है, बांग्लादेश में चला गया जो अब, ठीक है, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, पटना, सूरत, अहमदाबाद, ठीक है, बरोच, चंदेरी, मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है, आपको सारे ये इतने सारे लिखने नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो चंदेरी हो गया आपके पास, बुरहानपुर हो गया, जौनपुर हो गया, एंड वाराणसी, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, लाहौर, मसूलीपट्टनम, औरंगाबाद, विशाखापट्टनम, बेंगलोर, कोयम्बटूर, मदुरई, कश्मीर भी जो था वो भी जो है वुलन मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटर माना जाता था। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए, उसका भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, आंध्रा रीजन की, बंगाल की, ये जो तीन थे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे शिप बिल्डिंग के लिए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जो आंध्रा रीजन था एंड बंगाल, यहाँ पे शिप बिल्डिंग की होती थी, ठीक है। और बिपिन चंद्रा के अकॉर्डिंग यूरोपियन कंपनीज ब्रॉट मैनी इंडियन मेड शिप्स फॉर देयर यूज, मतलब यूरोपियंस थे यहाँ से काफ़ी सारे शिप्स जो है उन्होंने बनवा के लेके गए इन उनके यूज़ के लिए, ठीक है। तो ये सारा सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस में है। अभी आगे चलते हैं हम, अब बात कर लेते हैं हम स्टेटस ऑफ एजुकेशन की, ठीक है। तो एजुकेशन जो इम्पार्ट की जाती थी 18th सेंचुरी में वो ट्रेडिशनल थी, जैसे पुराने ज़माने में पढ़ाया जाता था, जो कि जो न्यू डेवलपमेंट्स हो रही थी, रैपिड डेवलपमेंट्स जो कि वेस्ट में हो रही थी उनके मुताबिक नहीं थी। द नॉलेज वॉज जो जो नॉलेज दी जाती थी वो किस चीज़ पर कन्फर्म्ड थी, लिटरेचर पर, ठीक है, लॉ पर, रिलीजन मतलब धर्म पर पढ़ाया जाता था, फिलोसफी, ठीक है, लॉजिक, ठीक है। एंड जो मेन चीज़ें होती थी ना, जैसे फिजिकल साइंस हो गया आपका, नेचुरल साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इन चीज़ों पे फोकस नहीं दिया जाता था, और इन सारी चीज़ों पे फोकस दिया जाता था, मतलब लिटरेचर पे फोकस दिया जाता था, लॉ, रिलीजन, फिलोसफी, लॉजिक, इन पे एम्फसाइज किया जाता था एज़ कम्पेयर टू द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफी, ठीक है। एंड ओवर रिलायंस प्लेस्ड ऑन एंशियंट लर्निंग, एनी ओरिजिनल थॉट गॉट डिस्करेज्ड। एंड एलिमेंट्री एजुकेशन जो थी अमंग हिंदूज
एंड मुस्लिम जो थी ये मतलब दी जाती थी, वाइट सेपरेट थी, ठीक है. एंड द हिंदू एंड मुस्लिम एलिमेंट्री स्कूल्स वर कॉल्ड द पाठशालाज. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता भी होगा पाठशालाज बोला जाता था इनको, इनकी जो क्लासेस लगा करती थी, ठीक है. एंड ये तो थी हिंदूज की क्लासेस, एंड मुस्लिम्स की जो क्लासेस थी उनको मकतब्स बोला जाता था, ठीक है. तो ये आप बात याद रखेंगे, ठीक है. उसके बाद एजुकेशन थी जो, वो किस चीज़ पे कन्फाइंड थी, तो वो आपका रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, मैथ्स में जो यूज़ होता है, ठीक है. तो इसके ऊपर ये बेस्ड थी. उसके बाद जो लोअर कास्ट के चिल्ड्रंस थे उनको जो मतलब वो कम अटेंड करते थे स्कूल एज़ कम्पेयर टू द थोड़े ठीक लेवल वाले. एंड वहीं पे जो फीमेल्स थी उनको भी कम चांस मिलता था कि वो स्कूल को अटेंड करें, ठीक है. उसके बाद इसको मैं रब कर देती हूँ. उसके बाद टोल्स, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं चतुष्पथीस, ठीक है. इनको बिहार एंड बंगाल में, ये बंगाल एंड बिहार में होते थे और ये सेंटर्स थे ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है. एंड कुछ जो सेंटर्स थे वो मैं लिख देती हूँ, जैसे संस्कृत एजुकेशन के लिए काशी वाराणसी में, तिरहुत मिथिला में, ठीक है, नाडिया एंड लास्ट वन इज उत्काला. और जो मदरसास थे ना वो हायर लर्निंग सेंटर माने जाते थे कौन कौन सी लैंग्वेज के लिए, पर्शियन एंड अरेबिक. ये कोर्ट लैंग्वेज थी, ठीक है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पर्शियन थी वो बींग अ कोर्ट लैंग्वेज एंड लर्नड बाय द मुस्लिम एज वेल एज द हिंदूज. अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो पर्शियन लैंग्वेज थी, वो जो कोर्ट लैंग्वेज थी, क्या वो सिर्फ मुस्लिम्स की थी, नहीं, वो हिंदूज की भी थी. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. उसके बाद अजीमाबाद जो कि पटना में फेमस सेंटर था, किसका, पर्शियन एजुकेशन का. एंड पीपल जो थे वो स्टडी किया करते थे वहाँ पे कुरान की एंड मुस्लिम थियोलॉजी की, क्या चीज़ की प्रोफिशिएंसी को अडॉप्ट करने के लिए, अरेबिक प्रोफिशिएंसी में वो पढ़ा करते, तो एक्वायर द प्रोफिशिएंसी इन अरेबिक, ठीक है. तो ये बात आप याद रखेंगे कि पर्शियन एजुकेशन उस टाइम पर चला करती थी. तो ये मैं रब कर देती हूँ. एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है सोसाइटल सेटअप, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, अदरवाइज ये काफ़ी लंबा हो जाएगा. थैंक यू.